बीच में हैं, आप इनसे इंटरेक्ट कीजिए, आपको जो कुछ भी पूछना है आप इनसे पूछिए, राइट। इनसे इंस्पायर होकर आप अपने लिए इस गोल को सेट कीजिए कि अगले साल आपको भी इस तरीके की कामयाबी हासिल करनी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का शुरुआत है, अब मेरे ख्याल से अगली बार आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा सबसे स्पेशल होता है, बहुत ही स्पेशल होता है, इसलिए इसको स्पेशल बनाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, नहीं तो फिर वो विशेष साइकिल होती है ना, उसमें फंस जाता है इंसान, तो प्री मेंस इंटरव्यू देने के चक्कर में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट स्पेशल होता है और उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो भी पूछना है तो फील फ्री टू आस्क। स्ट्रेटजी 2018 के लिए, ओके। तो देखिए, आपको जो सर ने बताई दिया होगा कि पेपर कैसे, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको, 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं जीएस में। तो देखिए, पहली चीज़ तो प्री और मेंस को बिल्कुल भी अलग कंसिडर मत करना, ठीक है, हमेशा दोनों की तैयारी साथ में होती है और साथ में ही की जाती है, बस प्री के कुछ एक आध महीने पहले थोड़ा सा प्री में डेडिकेटेड होकर तैयारी करना, अदरवाइज प्री के पहले आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेंस की जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि इंटरव्यू वगैरह तो बाद में जब मेंस क्वालिफाई कर लोगे तब आपका हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वो हमेशा आप करते रहो, पूरे साल एक दो आंसर, ज़्यादा नहीं, एक दो आंसर आप लिखते रहेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको पता है, बुक्स भी बता ही दी होंगी सर ने, तो बस वही पढ़ते रहिए और ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए, एक सोर्स पढ़िए उसको बार बार रिवाइज करिए, एंड दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। आप ज़्यादा सोर्सेज के पीछे भागेंगे, कन्फ्यूज होंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये फॉलो करिए। दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी ईजी, अगर आप उसे ईजी बनाए रखें तो। ऑप्शनल, नहीं, मेरा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा बीटेक है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप क्या सोच रहे हैं ऑप्शनल? ज्योग्राफी, आपको भी ज्योग्राफी लेना है, ओके। देखिए, ज्योग्राफी का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो मैंने तो ज्योग्राफी आउट ऑफ द अननोन ले लिया था कि भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ना आसान होगा शायद, तो ले लिया था। बाद में पता चला कि इट्स वेरी ह्यूज, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि पहली चीज़ सिलेबस, आपके पूरा रटा होना चाहिए सिलेबस कि कौन सी यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, और उसके बाद जब आप सिलेबस को सामने रख के पढ़ाई करेंगे ना, तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, इसलिए हमेशा सिलेबस को सामने रख करके और लाइन बाय लाइन सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करिए, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ही फॉलो करिए, कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, और इंटरनेट का बहुत यूज़ करना है, इंटरनेट से जो भी आपको लगे कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, आप आजकल हर चीज़, लेक्चर्स भी अवेलेबल है इंटरनेट पर, एंड बुक्स अवेलेबल हैं, सोर्सेज अवेलेबल हैं, मिनिस्ट्री में रिपोर्ट्स आती हैं कई सारी, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वो पढ़ सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी साइट्स हैं, PRS इंडिया जैसे एक है, तो ये सारी वेबसाइट्स आप पढ़ सकते हैं, PIB जैसी, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, तो इसलिए एटलीस्ट आपको 4 महीने चाहिए, और 4 महीने में आपको एक बार कवर करने, मतलब जब पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो एक बार कवर करने में आपको 4 महीने कम से कम चाहिए होंगे, तो ये फॉलो किया था मैंने। और बाकी ऑप्शनल का मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिएगा और उसकी तैयारी कर लीजिएगा, और प्री के पहले कोशिश ये करिएगा कि प्री के 2-3 महीने पहले तक ऑप्शनल पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि जब आप प्री देने के बाद मेंस की तैयारी शुरू करते हो, मेंस का जो 3-4 महीने का गैप बचता है उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें आपको GS भी पढ़ना होता है, उसमें आपको फिर
ऑप्शनल का एक बर्डन हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो बेहतर ये है कि आप प्री के पहले सारा का सारा ऑप्शनल कंप्लीट कर लीजिए प्री के एक दो महीने पहले, ताकि आपके पास बाद में सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए टाइम बचे। तो ये ऑप्शनल आप लोग बिल्कुल सीरियस लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेरी करवा देता है आपके मार्क्स। जीएस में बहुत कम मार्जिन होता है लोगों के मार्क्स के बीच में, ऑप्शनल सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है लोगों की रैंक इधर उधर करने में। तो जितने जल्दी हो सके ऑप्शनल डिसाइड करिए और उसकी तैयारी में जुट जाइए। कुछ और? तैयारी कैसे करते थे? यार देखो, घंटे मत गिनना, कभी मत गिनना। मैंने कभी नहीं गिने, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं एक भी घंटे नहीं पढ़ता था, और कभी कभी पढ़ता था तो मैं 10-12-13 घंटे जितना भी होता था पढ़ लेता था। तो घंटे कभी मत गिनना, कितना कंटेंट कवर किया है वो गिनना। और मैंने बताया ना, सिलेबस रखो, उसमें टारगेट सेट करो कि मुझे ये टॉपिक्स आज खत्म कर लेने हैं, और उस हिसाब से पढ़ाई करो, रादर देन कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 10 घंटे 12 घंटे, ऐसा होता नहीं है। कॉन्टीन्यूटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, आप एक साल के ड्यूरेशन में पढ़ते रहो लगातार, ऐसा नहीं है। एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो, टाइम को एंजॉय करो, और सब कुछ करो, बस ये है कि डेडिकेशन बनाए रखना है। हाँ, न्यूज़पेपर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। न्यूज़पेपर देखिए, ट्राई करिए कि हमेशा पढ़िए, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। मैगजीन मैंने उतनी पढ़ी नहीं है, योजना एक पढ़ लेता था कभी कभार, बट अगर आप वो भी पढ़ पाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और हिंदू जैसे एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करिएगा, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी हिंदी मीडियम है, तो उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं कौन सा न्यूज़पेपर है, बट एक ही फॉलो करिएगा न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में कोशिश करिए कि जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में रिसर्च कर लीजिए, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई एनजीएसी के बारे में कोई आर्टिकल है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपको न्यूज़ मिले इधर उधर इंटरनेट में वो इकट्ठे करिए, प्रोस कॉन्स, उसमें आपका क्या व्यू है, इस तरह की चीज़ें उसमें नोट्स बना लीजिए। और इस तरह के कई सारे टॉपिक्स जैसे कि जो करंट में चल रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट अबाउट न्यूज़, इट्स अबाउट इशूज़, ठीक है। जितने ज़्यादा इशूज़ आपके समझ में आ रहे होंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि न्यूज़ कभी नहीं पूछते यूपीएससी में, कोई ऐसा नहीं होता कि आज यहाँ पे बाढ़ आई है उसके बारे में लिखो, वो बाढ़ क्यों आई है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, और न्यूज़पेपर में आपको वो बहुत अच्छे से मिलेगा। हाँ, पीछे आप कोई कह रहे थे, सेम, चलिए ठीक है। नहीं नहीं, मेरा हिंदी नहीं था, मेरा इंग्लिश ही था, मैं बताया जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम ही था और मैंने इलाहाबाद से तैयारी की थी, तो मीडियम का देखिए कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ना चाहिए या पड़ता है, बस थोड़ा टेम्परामेंट का अंतर हो जाता है, हम पहले ही मान लेते हैं कि हिंदी मीडियम के साथ ये होता है और फिर हम छोड़ देते हैं उसे, तो मीडियम को उतना मत ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए बस। और पूछे भाई, आप पहला दिन ऐसा हो ही नहीं सकता, डाउट नहीं, फीलिंग्स फीलिंग्स तो देखिए अच्छा ही है ऑब्वियसली, इतना टफ एग्जाम है, क्रैक करना अच्छी बात है, थोड़ा रैंक कम रहेगी, अगली बार सुधार लूंगा, बट अच्छा है सब, बढ़िया है, मैं अब क्या बताऊं कैसा है। ओके 2021 है, देखिए प्रिपरेशन तो आप करते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा पहले ग्रेजुएशन अच्छे से कर लीजिए, ग्रेजुएशन आपका अच्छा रहेगा तो बाद में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उस चीज़ का। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एमटेक है डिजिटल सिस्टम्स में, ठीक है, तो मेरा जब इंटरव्यू देने गया मैं, तो वो डिजिटल सिस्टम्स को देख करके मुझसे सिर्फ डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन पूछे गए, और मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इस बार। तो आप ग्रेजुएशन के बारे में आपको अगर अच्छी नॉलेज होगी ना, तो आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा आपको कि आप वहाँ पे एक्सेल कर पाओ इंटरव्यू में, और उसके पहले भी हर चीज़ में फ़ायदा होता है। और जैसे आप बता रहे हैं हिस्ट्री में है आपका, और ऑप्शनल भी आपका हिस्ट्री है, तो आप पहले अपने ग्रेजुएशन पर फोकस करिए, साथ में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, सिलेबस देखते रहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है,
और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होता है उसके बाद आप एग्जाम दीजिए। और कुछ? एनसीईआरटीज, बिल्कुल एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। ठीक है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे एंड इट विल बी सफिशिएंट। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आप बस 11th और 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा अगर आपको ऑप्शनल नहीं है तो। ज्योग्राफी अगर आपको ऑप्शनल ऑप्शनल भी है भी तो भी आपको वो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत छोटे में समझा देता है वो। उसके अलावा आप साइंस के एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कई बार डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठा के यूपीएससी क्वेश्चन दे देता है। फिर हिस्ट्री के एनसीईआरटीज, उसमें भी जैसे इस बार तो कई सारे वर्ड्स आ गए थे कि ये वर्ड जो है मेडिवल या एंशियंट हिस्ट्री में किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो एनसीईआरटी से उठाते हैं वो सारे वर्ड्स। तो एनसीईआरटी सर बहुत बढ़िया बुक्स होती हैं, बहुत छोटे में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं वो लोग, और उसको आप पढ़ लोगे तो आपका फाउंडेशन जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसको प्लीज़ आप कर लीजिएगा अच्छे से। आपको जितनी बार लगे, सबकी अपने अपने कैपेबिलिटीज होती हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं या एक ही बार में याद हो जाता है, और मेरे जैसे लोग हैं तो बार बार पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ते रहिए आप लोग जितना भी लगे आपको। देखिए मैंने तो न्यू ही पढ़ी है अभी तक, ओल्ड नहीं पढ़ी है मैंने, तो मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं सकता कि डिफरेंस क्या है, और लेकिन न्यू भी बहुत अच्छी लगी मुझे पढ़ने में, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बुक्स कौन कौन सी पढ़ी हैं? देखिए सबसे स्टैंडर्ड बुक तो है सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। जो देखिए ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है उसमें दो पेपर होंगे, तो पेपर वन में होता है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी और पेपर टू में होता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसमें भी दो पार्ट, एक तो पहला होता है फिजिकल वाला पार्ट और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट। और इंडियन ज्योग्राफी में नॉर्मली वही सब होता है जो हमारे करेंट में इश्यूज चल रहे होते हैं। ये जो पेपर रहता है ये ज़्यादा अप्लाइड वाला रहता है पेपर, आपकी अप्लाइड नॉलेज क्या है वो चेक की जाती है इस पेपर में, कि आप चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से समझते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में पेपर वन में आपसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक की जाती है कि आप चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं। तो इसके लिए तो सबसे अच्छी बुक है सविंदर सिंह, मैंने ये पढ़ी थी और कई बार पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, तो इसको प्लीज़ पढ़िएगा आप। अपार्ट फ्रॉम दैट रूपा पब्लिकेशंस की भी बुक आती है, वो भी मुझे काफ़ी सही लगी। फिजिकल की भी आती है और ह्यूमन की भी अलग आती है, ठीक है। और एक के सिद्धार्था की बुक पढ़ी थी मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी में, के सिद्धार्थ की बुक है, तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ये सबसे रिलेटेड है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे रिसोर्सेज हैं, इन सब के बारे में। इसमें भी रूपा पब्लिकेशंस की बुक है एक, वो काफ़ी बढ़िया बुक है और उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आरसी तिवारी पढ़ी थी एक, दो वेरी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं उससे, लेकिन एक बेस आपका बन जाता है। इस पेपर में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा जो आपके करेंट अफेयर्स हैं, और उसके अलावा जो आप मिनिस्ट्रीज़ वगैरह की जो वेबसाइट्स आप फॉलो करते हो, रिपोर्ट्स पढ़ते हो, उस सब चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मैंने इंटरनेट की हेल्प से की थी, बुक्स एक आदि ये जैसे आर सी तिवारी ये सब पढ़ी थी, तो इससे मेरा फाउंडेशन ठीक हो गया था। यहाँ पे भी आप एन सी आर टीज पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है ये, एन सी आर टीज आपको ज़रूर पढ़नी है, इसमें भी एन सी आर टी पढ़नी है। तो ये बेसिक बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी, उसके अलावा आप यहाँ नोट्स वगैरह मिलते ही रहते हैं बाहर, वो आप ले सकते हो, वो मैंने प्रेफर किए थे, ठीक है। ट्वेल्थ पास की है? नहीं, कॉन्ग्रेट्स, बट यार अभी आगे क्या करने का सोच रहे हो आप? अरे यूपीएससी तो ठीक है, पहले उसके पहले कुछ करना पड़ेगा। यार बैठो, जैसे मैंने इनको बताया ना कि
अभी तुम लोग मैच्योर नहीं हुए हो ग्रेजुएट। अब खुद सोचो, यूपीएससी क्यों रिकमेंड करती है कि इंसान ग्रेजुएट हो? अगर इतना ही वो होता तो एक किसी से इंटरव्यू में पढ़ रहा था, इंटरव्यू किसी का पढ़ रहा था, तो उससे वहां पे भी ये पूछा गया था, इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट से पूछा गया था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ज्योग्राफी जो है वो सॉरी ऑप्शन हमारा ग्रेजुएशन जो है क्यों रिकमेंड करती है यूपीएससी, 12th पास लोगों को ही क्यों नहीं बैठने देती? तो मोटिव यही होता है कि आप मैच्योर होते हो ग्रेजुएशन जब करते हो, तो उस फेज को मत जाने दो, ठीक है? ग्रेजुएशन करो, अच्छे से करो, उसके बाद सोचना है सब चीजों के लिए। 12th पास हो यार, तो अभी तुम में वो जो मेंटल कैपेबिलिटी है ना वो वाली, वो अभी है नहीं, तो वो डेवलप करो पहले, ग्रेजुएशन अच्छे से करो, एंड देन उसके बाद जो भी मानो ग्रेजुएशन का बताओ। यार देखिए, मैच्योरिटी का मतलब पढ़ना नहीं होता, ठीक है? वहां पे बैठो बैठो, वहां पे आप लोगों से मिलते हो, कॉलेज का माहौल थोड़ा अलग होता है, वहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपका थोड़ा सा खुलता है दिमाग, है ना? फिर पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी चेक होती है, तो वो आप डेवलप करोगे जब कॉलेज में जाओगे, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, इसको मत मिस करना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जाओ, मैं तो रिकमेंड करूँगा, बाकी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कॉलेज जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ और वो मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। और बताइए, देखिए यहाँ पे चार पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। इसमें GS4 का जो पार्ट है ये सबसे इजी होता है और सबसे टफ भी होता है। अगर आपको आइडिया है इस चीज को करने का तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिटरली मैंने एक हफ्ते पढ़ाई की थी इस पेपर की। तो इसमें आपको बस आप आइए, एग्जाम आपके बारे में होता है, केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करनी होंगी और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे आपको एंगर क्यों खराब है, गुस्सा क्यों खराब है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके मन में जो भी आ रहा है आप लिखोगे उसमें, ठीक है? बस थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए इस एग्जाम की, कि आप कितने आंसर लिख रहे हो, सर लोगों को आंसर दिखाओ आप इसमें कि हम आंसर कैसे लिख रहे हैं, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, बस इसमें अप्रोच डेवलप करने की ज़रूरत है। पेपर 3 में देखिए, सबसे अगर सबसे बड़ा सिलेबस है तो पेपर 3 का है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इकोनॉमिक्स आ जाता है, इसमें आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट आ जाता है, इसके अलावा इसमें इंटरनल सिक्योरिटी होता है, इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा और क्या होता है, साइंस टेक हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना इसमें कि इससे एक फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि वो डीप में घुस के क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, वो ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस पूछते हैं, और नुकसान ये होता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए हमें। तो देखिए अभी तो आप कोचिंग शुरू ही कर रहे हो, तो बेसिकली मैं कहूँगा इसके पहले क्लास में अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद किसी पर्टिकुलर बुक पे जाइएगा, क्योंकि क्लास में जब आपका एक मेंटल लेवल डेवलप हो जाएगा उसके बाद जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और न्यूज़पेपर, इसमें करंट अफेयर्स बहुत आता है, तो करंट अफेयर्स वैसे इन दोनों पेपर्स में बहुत आता है, तो इसमें जब आप क्लास कर लोगे उसके बाद जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। पेपर 2 में भी ऐसे ही, पेपर 2 में डीप में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस में पॉलिटी है और गवर्नेंस है, इसके अलावा तीसरी चीज़ है हमारा IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें स्कोप थोड़ा कम है, तो डीप में एकदम घुस के क्वेश्चंस पूछते हैं और इसमें मार्क्स भी कम आते हैं बच्चों के। तो इसके लिए भी मैं कहूँगा, लक्ष्मीकांत तो आपको बताई होगी सर ने, लक्ष्मीकांत इज रियली गुड बुक, ये पॉलिटी की भी आती है, गवर्नेंस की भी आती है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, तो वो आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। IR के लिए मुझे नहीं लगता कि विनय सर आपको एक बार पढ़ा देंगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विनय सर। फिर GS1 में अगर देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी कुछ है, हिस्ट्री है, कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल इश्यूज हैं, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाता है इसी में। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT बहुत अच्छी किताब है, तो NCERTs आप फॉलो करिएगा। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है,
स्पेक्ट्रम इट्स अ डिसेंट बुक, आपको काफ़ी कुछ उसमें मिल जाएगा, नहीं तो आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने तो कोई ऐसी कोई किताब पढ़ी नहीं है, एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हो, अच्छा दिया है उसमें, आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी, बाकी यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ाया ही जाएगा। तो शायद 8th या 9th की बुक है ना एनसीईआरटी की, वर्ल्ड हिस्ट्री। सोशल इश्यूज़ भी यहाँ पे आपको जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तब आपको, क्योंकि ये जो पार्ट होता है इस पेपर में, बाकी सब ये जो है ये स्टैटिक पार्ट होता है इस पेपर में, जो सोशल इश्यूज़ वाला पार्ट होता है यहाँ से करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपकी अप्रोच डेवलप होगी, और उसके बाद न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे आप तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मैंने बताया अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकते हो, और ऑप्शनल के लिए मैंने अलग से बता ही दिया। सो ये जो है हमारी स्कीम, एसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें मार्क्स काफ़ी मिलते हैं अगर आप ठीक ठाक भी ऐसे लिख के आ जाओ। तो एसे की मैंने कोई स्पेसिफिक तैयारी की नहीं थी, ये जो इतना पार्ट है अगर इसी को आप अच्छे से कर लोगे ना तो एसे हो जाएगा। बाद में सिर्फ लास्ट टाइम पे 2-3 एसे लिखो, अप्रोच पता चल जाए, सर लोगों को आंसर दिखाना, तो अप्रोच जैसे ही पता चल जाएगी तो आप अच्छा एसे लिख लोगे, क्योंकि सब कुछ इधर ही से आता है वो, ठीक है। बाकी आप लोग को सर लोग पढ़ाएंगे ही तो उसके बाद, और वो बुक्स भी रिकमेंड करेंगे तो आप ट्राई करना पढ़ने की, ठीक है। थैंक यू। ओके, देखिए करेंट अफेयर्स में ये अच्छी बात है इस बार बेटी, ये अच्छा है यूपीएससी के साथ अब, क्यों पहले जो पेपर आता था ना उसमें लोग रट के पास जाते थे, अब ऐसा है कि बहुत ही डायनेमिक पेपर रहता है, आपको बहुत सोचना पड़ेगा उसके लिए, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए आपको। करेंट बेस्ड पेपर होता है, कुछ स्टैटिक पार्ट थोड़ा कम आता है। तो इसके लिए देखिए मैंने जैसे बताया, करेंट्स के लिए न्यूज़पेपर से अच्छा सोर्स कोई नहीं है, और न्यूज़पेपर ट्राई करिए कि रोज़ पढ़िए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना और रोज़ नोट्स बनाना, ठीक है। तो ट्राई करिए न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, न्यूज़पेपर से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। बाकी दुनिया भर की मैगजीन्स आती हैं, यहाँ पे कई सारी कोचिंग्स हैं उनकी मैगजीन आती हैं, आपको यहाँ ऐसे में मिलेगी तो वो पढ़िए, तो वो आपका इसके लिए जो है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, देखिए करंट हमेशा कभी अलोन नहीं चलता है, करंट को आपको समझने के लिए आपको स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद जब आप करंट पढ़ोगे तो आप उसको रिलेट करोगे उससे, और उसके बाद जब आपकी समझ बनेगी तो उस बेसिस पे आप आंसर लिखोगे, ठीक है। तो करंट कभी भी अलग से मत पढ़ना उसको, जैसे अब किसी इकोनॉमिक इशू पे सर ने कोई आज चीज बताई कि भाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अब फिस्कल डेफिसिट आपने सीख लिया, अब कोई आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है या उसमें क्या क्या जो भी है, तो आप उस चीज़ को उससे रिलेट जब करोगे और उसके बाद जब क्वेश्चंस देखोगे आप तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अलग से कभी मत पढ़ना दोनों को रिलेट करके और दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ करना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोग को, और बताइए। देखिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था तो ये सब्जेक्ट तो था नहीं ऑप्शनल के लिए, बाकी मैथ फिजिक्स यार देखिए इसमें काफ़ी वास्ट हो जाता है, और दूसरा जीएस से रिलेशन कम होता है इसका, मैथ्स और फिजिक्स का मेरे हिसाब से। बाकी लोग लेके करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मैथ्स लेके फिजिक्स लेके दे रहे हैं, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है इनके बारे में। मैंने क्या सोचा कि भाई इनका रिलेशन नहीं है कोई जीएस से, और अगर मैं ज्योग्राफी लेता हूँ तो काफ़ी सारा पार्ट वो जीएस से कॉमन हो जाएगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो मैंने ये कोशिश की थी। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोग को, अच्छे से पढ़िएगा।